नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योगेशी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे यूपी टीजीडी पीईटी भर्ती 2022 में पदों के बढ़ने को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, और ये पद हैं 22,000 तदर्थ शिक्षकों के। जैसा कि मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि कल की डेट में लखनऊ इको गार्डन में इसी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो उसी क्रम में यहाँ से बहुत ही बड़ी अपडेट आपको देखने को मिल रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले बेस्ट बुक फॉर टीजीटी जो कि चच्चू प्रकाशन की है। ये सभी बुक पूरी तरह से रिवाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है, जिसमें आपको मिलेगा चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट 2500 प्लस क्वेश्चन, जिसमें कवर किया गया है अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों को। और ये सभी बुक आपके नजदीकी बुक स्टोर पर पहुंच चुकी है, तो जल्द से जल्द इन्हें परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। बिल्कुल भी समय न बर्बाद करें और बहुत ही जल्द ये सभी बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सुनहरे भविष्य के लिए तुरंत इन बुक्स को खरीदें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, कल भी मैंने आप सभी को बताया था कि आज की डेट में लखनऊ के इको गार्डन में एक बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा, और जिसका मुख्य उद्देश्य होगा यूपी टीजीडी पीईटी भर्ती 2022 के विज्ञापन में 22,000 पदों के जोड़ने को लेकर के, और ये पद होंगे तदर्थ शिक्षकों के। इसी को लेकर के आज की डेट में आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पहले तो यहाँ से अभ्यर्थी ही इसमें नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संख्या भी यहाँ पर काफी अधिक भी हो गई। तो इसी को लेकर के पहले आप इन अभ्यर्थी को सुनिए, उसके बाद हम आगे की अपडेट की बात करेंगे। ये सर है ऑनलाइन में 2 जुलाई 3 जुलाई का अखबार है, अमर उजाला का सारे अखबारों में देखा, वैसे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 और 77,000 पदों पे जो इनका दावा था कि 4 लाख भर्ती हमने प्रदेश में की है, उसके अलावा ये बताया गया था कि 74,000 पदों पर और भर्ती हमने निर्देशित किया है। उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद थे, उनको ये आदेश दिया गया था कि 27,000 पदों पर भर्ती की जाए। अभी 10 दिन पहले जो विज्ञापन जारी हुआ, अफसोस के साथ कहना है, मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा होती है विधानसभा चुनाव के पहले, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में हमने आदेश दिया है, रिकॉर्ड भर्ती पहले ही बता रहे हो चुकी है, उसके बाद भी हमने आदेश दिया है 27,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती तो नहीं हुई, लंबी लड़ाई के बाद 10 दिन पहले विज्ञापन आया 27,000 के बजाय 4,163 पदों पर विज्ञापन आया। इसी तरह का झूठ पूरे प्रदेश में पिछले 6 साल। तो दोस्तों, आपने देखा कि सीएम के वही पुराने बयान को लेकर के पदों के जोड़ने को लेकर के जो मांग है वो की जा रही, क्योंकि सीएम के द्वारा 27,000 पदों की अनाउंसमेंट हुई थी, और अगर इसमें 22,000 तदर्थों के पदों को जोड़ दिया जाता है तो ये संख्या 27,000 नहीं तो 26,000 तो पहुंच ही जाएगी। इसी को लेकर के यहाँ से जो मांग है ये उठाई जा रही है, और इस दौरान कई सारे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है जो कि इन छात्रों की बात सरकार तक रखने वाले हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि क्या कोई बड़ी अपडेट आती है इसको लेकर के या फिर नहीं, और ये पद जुड़ते हैं या फिर नहीं। कोई भी लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखें। थैंक यू।